दोस्तों, अगर आप एक मोशन सेंसर एलईडी बल्ब ख़रीदना चाहते हैं तो आज दोस्तों मैं आपको इसका लाइव टेस्ट करके दिखाऊंगा कि यह किस प्रकार से काम करता है। दोस्तों, आप देख सकते हैं यह हैवेल्स कंपनी का मोशन सेंसर एलईडी बल्ब है जो कि 9 वाट का है। अब दोस्तों, यह वर्क किस प्रकार से करता है मैं इसे इस होल्डर पर लगाकर इसे ऑन करता हूँ। आप देख सकते हैं यह चालू हो चुका है। कंपनी का कहना है कि यह लगभग 5 मीटर के दायरे में काम करता है। अब दोस्तों, मैं 5 मीटर से दूर हो जाता हूँ। दोस्तों, वीडियो को स्किप नहीं करूँगा। अब हम देखते हैं कि यह कितने समय में बंद होता है। और कंपनी का कहना है कि इसका जो दायरा है 5 मीटर है। 5 मीटर पर अगर कोई भी व्यक्ति जाता है तो यह ऑन हो जाता है और कुछ टाइम बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि यह कितने समय में बंद होता है। अभी आप देख सकते हैं करीब 1 मिनट से ऊपर हो चुका है, लेकिन अभी भी यह बल्ब ऑन है। अभी हम थोड़ा सा और वेट करेंगे। आप देख सकते हैं यह बंद हो चुका है। तो करीब 1 से 1.5 मिनट में यह ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। अब दोस्तों, आप यह जो बीच में सर्किल देख रहे हैं, इसका जो डिस्टेंस है करीब 5 मीटर के लगभग है। अब दोस्तों, मैं जाता हूँ, आप देखिएगा कि यह ऑन होता है कि नहीं। आप देख सकते हैं कि यह 5 मीटर के लगभग डिस्टेंस में मेरे जाते ही ऑन हो चुका है। और फिर से अगर हम इस बल्ब के दायरे से दूर चले जाते हैं तो यह करीब 1.5 से 2 मिनट के लगभग ऑन रहेगा, इसके बाद ऑटोमेटिक ही बंद हो जाएगा। अगर दोस्तों आप इस बल्ब को ख़रीदना चाहते हैं, आपको आपके लोकल मार्केट में नहीं मिल पा रहा है, तो आप दोस्तों इसे किसी भी ऑनलाइन स्टोर से आप इसे खरीद सकते हैं। इसके लिए आपको सर्च करना होगा मोशन सेंसर एलईडी बल्ब। आप देख सकते हैं कि यह अभी जल रहा है। अभी दोस्तों हम फिर से देखते हैं कि यह कितने मिनट में ऑफ होता है। आप देख सकते हैं यह बंद हो चुका है। और अब दोस्तों, मैं दोबारा से 5 मीटर के दायरे में जाता हूं। आप देख सकते हैं कि यह हमारा बल्ब ऑन हो चुका है। तो यह 5 से 6 मीटर जो है दायरे में यह काम करता है। इसके बाद कुछ टाइम बाद करीब 1.5 से 2 मिनट बाद यह ऑटोमेटिक ही बंद हो जाता है। अगर दोस्तों आप इसे खरीदना चाहते हैं तो आप इसे किसी भी ऑनलाइन स्टोर से खरीद सकते हैं, वहाँ यह बड़ी आसानी से मिल जाता है। मैंने इसे ऑनलाइन खरीदा हुआ था।